कोई रहा है आप में स्कूल के अंदर बहुत ही एवरेज बच्चा? जिन लड़कियों ने हाथ उठाया मैं बता दूं कि आप लोगों का एवरेज अलग होता है। हमारा होता है 50, 51, 52, दैट्स इट। और हमारा स्कूल का रूल था कि 6 से लेकर 10 तक में क्लास टीचर सेम होती थी, पर बाकी सब्जेक्ट टीचर बदल जाती थी। तो इस 5 साल के टेन्योर में इस क्लास टीचर ने मुझे 2 बार अपने स्टाफ रूम में बुलाया और कहती, रजत सरप्राइज मी, सरप्राइज मी विद गुड मार्क्स। तो मैंने उनको मौका दिया अपने 10th के प्री बोर्ड में, इन विच आई स्कोर्ड 55%। जितना आप खुश हो उससे ज्यादा टीचर खुश थी। उसने रिपोर्ट कार्ड में होता है एक रिमार्क सेक्शन, उसमें लिखा था ही इज एट हिज बेस्ट, और बेस्ट के टी पर पेन की निब तोड़ दी। कहती इस पेन का इस्तेमाल मैं अब जिंदगी में कभी नहीं करना चाहती। हम क्लास के अंदर रहे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे, समझते हो प्यारे बच्चे जो हर बात पे आईश्वर करते हैं। आईश्वर मैम, मैंने नहीं किया ये, आईश्वर इतनी कसम खाई है कि मेरी मैम ने आके मुझसे पूछा था कि बेटा ये बताओ ये एडम्स एप्पल किस लिए होता है। मैंने कहा मम्मी कसम खाने के लिए। ऐसे बच्चे रहे, शरारती भी रहे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं शरारती नहीं रहा, बहुत शरारती रहा हूं, और वो आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। कि समझ लीजिए कि कभी टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखने गई हैं और उनका कुर्ता फंस गया उनकी खुटती बॉडी में। तो देखो मैं वो बच्चा था चिल्ला के बोलता कि देखो बटरफ्लाई। टीचर लाइक कहां? मैंने कहा अब तो उड़ गई। ऐसे बच्चे रहे हम जिंदगी में। कितना लाइफ में कभी क्रश हुआ? गिव मी लाउड चीयर, यस। यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट क्रश? कितने भी कर लो, किसी से भी कर लो, कोई कमिटमेंट नहीं होता। जैसे मुझे अपनी जिंदगी में जब पहली बार क्रश हुआ था ना, तो अपने नेबरहुड में हुआ था। उस लड़की से मेरी पहली मुलाकात कंजक पे हुई थी। मुझे पता है आप में से काफी लोगों को कंजक समझ नहीं आया क्या होता है, तो बता दूं कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कम उम्र से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। यही होते हैं कंजक। आप तो रह चुके हो गए एक्स कंजक, आप तो एल्यूमिनी रह चुके हो गए जगह, समझते हो गए ना आप तो। अब देखो कितना हैट्टिक शुरू होता है, हैट्टिक एचआर हैट्टिक, समझ नहीं पाओगे आप। लड़कियों हैट्टिक शुरू होता है आप लोगों का यार, पूरी फेंको पैसे रखो, ओ माय गॉड, 2 दिन घर में बैठने का टाइम ही नहीं होता बिल्कुल आपको, पता है। साल में टोटल 4 दिन होते हैं, कहते हैं ना जीने के हैं 4 दिन, वो यही है, यही तो होता है यार। और उस कंजक में एक लड़का बैठता है, उसे आप क्या कहते हैं? लंगूर, लोकड़ा, ऐसा। वो मैं था, आप मारोगे नहीं। पहली बार उस लड़की ने ऐसे कोहनी मारी और कहती चले किसी और के घर पूड़ी लेने। आप देख रहे हो मेरे खाने का ध्यान रख रही है, मेरे मुंह से एकदम से निकला, मैंने कहा बीवी। क्योंकि देखिए हमारी जिंदगी में, अपब्रिंगिंग में ना, कभी भी ऐसे गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। हमें लगता था कि बीवी होनी चाहिए, और इसकी वजह हमारे माँ बाप है, पेरेंटिंग उनकी। मैं बता देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, जितने भी लड़के हैं सच्ची बताना कि आपके माँ बाप ने आपको बोला कि आप सुंदर दिखते हैं? बताओ, घर का मालिक अथॉरिटी नहीं ले रहा तो बच्चों में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मुझे ये बात 11th क्लास में आकर एक लड़की ने रिसेस के बाद बताई है। कहती रजत तुम्हारे चेहरे पे डिंपल पड़ते हैं। मैंने कहा कहाँ? तो ऐसे की बीवी ही बननी चाहिए सिर्फ। तो कह रहे चले फटाफट घर का वर्क करने हैं। मैंने कहा ओके, कहती जस्ट ज्वाइन माय गैंग। मैंने क्या करना है फिर उसके लिए? OTP देना है, हडल करना है, क्या बताओ आप मुझे? कह रही बस चलो। पर आपको पता आपको घर का वर्क करने जाता, तो मैं लगा दिमाग में ऐसे नहीं होगा काम में। मैं फटाफट गया घर भाग के और वहां से लेके आया अपनी 4 टायर वाली साइकिल, जिनको चलानी नहीं आती वो 4 टायर यूज करते हैं। और मैं ऐसे मोड़ता, मैं कहा चले तेरी पार्टनर। मैंने उससे पीछे बैठाया, ऐसे उसने कंधे पे हाथ रखा है। मेरे आज तक का रिकॉर्ड है हमारी सोसाइटी का, हमने 2 दिन में बंटी बबली बन के 60 घर लूटे थे, 60। जब 3rd दिन हमने अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करी, तब पता लगा हमारे पास थे 1200 रुपए हार्ड कैश, 4 ज्योमेट्री बॉक्स, 2 लंच बॉक्स और 1 माता की गोटी वाली चुन्नी। बेस्ट आया लाइफ में।
अब नेक्स्ट दिन वो लड़की हमारे घर पे आई, जैसे ना खेलने के लिए बुलाने के लिए आती लड़कियां कभी आती थी, सोसाइटी में आती थी, तो लड़की नेक्स्ट दिन आई हमारे घर पे। आप बस इमेजिन करो, आपका क्रश आपके घर की दहलीज पे खड़ा है और आपका नाम ले रहा है, रजत रजत। मैं पीछे रूम में था, मैं 2 मिनट तक सबने कहा यही जिंदगी है भाई, यही तो चाहिए था। चेहरे पे एक अलग सी शर्म नहीं आती, मतलब अगर शर्म कहना है तो मैं उस दिन बप्पी लहरी बन चुका था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिर मैं निकल के आया बाहर, मैंने कहा बोलो, कहती रजत घर घर खेलोगे? मैंने कहा मैं बसा लूंगा। तो साथ ना मेरे बचपन का दोस्त पढ़ता था नोनू, ऐसा है आपके स्कूल के दोस्त या कभी है बचपन के दोस्त जो आज भी आपके साथ कनेक्टेड है, ऐसा है आपके साथ? इनके बारे में ना पता, एक बड़ी बात कॉमन है कि हर 6 महीने में आप इनके साथ अपना रिश्ता इंट्रोस्पेक्ट करते हो। और फिर यहां से एक ही आवाज आती है कि ये मेरा दोस्त है क्यों, मेरी क्या मजबूरी है कि मैंने इसको पाल रखा है। मतलब ये मिनिमलिस्ट आदमी है, समझते हैं मिनिमलिस्ट, जो अपने दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसको स्कूल में टीचर ने पूछा कि राघव ऐसे कौन से जोक पे हंस रहे हो, हमें भी तो जोक सुनाओ, तो इसने वो जोक सुना दिया। मैं कहा राघव ये जोक सुनाना नहीं होता, कह रहा पर टीचर तो हंस रही थी। इन लोगों को क्या दिमाग दोगे आप? मतलब इतनी खास दोस्ती है इसकी मेरी कि हम एक दूसरे के सेंटेंसेस पूरे करते हैं, होता है ऐसा? जब मैंने पहली बार देखी थी पल्सर 180 बाइक, तो मेरे पूछ निकला ओए, तो कहता बेटे की। ये दोस्ती गहरी है हमारी। तो मैं कहा नोनू चले फटाफट घर घर खेलने के लिए, कह रहा चलो। जैसे ही हम घर घर खेलने के लिए बाहर निकले, मम्मी ने रोक के बोला ना कि चुपचाप पढ़ाई कर लो, और चढ़ाने के लिए बोला वरना शादी करा देंगे इससे। मैंने उस दिन ऑलमोस्ट पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं कहा जब डिग्री मिल गई है तो क्यों जाना है कॉलेज? और हम घर घर खेलने के लिए गए। कितने लोगों ने घर घर खेला हुआ है? सबने खेला हुआ, कई लोगों ने बसाया हुआ है शादी के बाद, मैं समझ सकता हूँ। तो हम घर घर खेलने शुरू हुए, तो हमें पता लगा कि वो लड़की किसी और की पत्नी बन गई। उस टाइम पे इस अल्प आयु पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि प्यार जेलसी क्रश होता क्या है, पर मैंने महसूस किया अपनी बॉडी में फिजिकल चेंजेस, कि मेरा मुंह एकदम से हो गया रेड, और यहां पर लगा हैवी। तो मैं नोनू को देखा, मैंने कहा नोनू हैवी। तो टिपिकल नोनू का जवाब कि भाई तू थोड़ी देर हेड डाउन करके बैठ जा। आप भी कुछ दोस्त होते हैं जो इनके अंदर ना स्कूल निकल जाते हैं, पर इनके अंदर स्कूल कभी निकल पाता, ये वो आदमी है। पर अब जब ये बनने लगे, मैंने कहा भाई नहीं, हमें ट्राई करना चाहिए कि पति पति ना बने ये लोग। तो मैंने दिमाग लगाया, जितना भी मेरे पास ज्ञान था उस अल्प आयु में, मैं उनके पास गया। मैंने कहा देखो तुम दोनों के गोत्र मिलते हैं। तो कहती ये क्या होता? मैंने कहा पता तो मुझे भी नहीं है, पर सुना है शादियां नहीं होती। कह रही वी डोंट केयर, हमें पता भी नहीं था। मैं भाग के गया अपनी मम्मी के पास, मैं कहा मम्मी हैवी। तो टिपिकल इंडियन मॉम का जवाब कि बेटा जो तुमने सुबह जिद करके मैगी खाई है ना, ये उससे हो रहा है। मेरे में क्यूट है, एक्चुअली ईमानदारी से क्यूट, सबकी मम्मी क्यूट ही होती है, मेरे में क्यूट है, एट द सेम टाइम वो काफी सुपरस्टिशियस है, इतनी कि समझ लीजिए कि मैं यहां जमीन पे मर रहा हूं। मा। और यहां पड़िया उल्टी चप्पल। तो पहले वो ये ठीक करती, अहे ये कौन रख गया, और फिर देखती अपने बच्चों को, ये मरा तो नहीं? कल तो हाथ धोके गई, डोंट शेक योर लेग्स व्हाइल आई वाज डांसिंग। मैंने कहा मामा जीवन में बहुत आगे जा रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। तो वापस आया, मैंने कहा इनके आंसर से कुछ होने वाला नहीं। पर मैंने एक बार फिर एक अटेम्प्ट लिया, मैंने कहा नहीं बनता है कि नहीं, सीए तेन लोग अटेम्प्ट लेते तो ये तो हमारा भी बनता ही है। तो हम गए, मैं कहा देखो लड़के की हाइट छोटी है, लड़की की हाइट बड़ी है, तुम्हारे बच्चों की हाइट छोटी रह जाएगी। वो नहीं माने, वो स्टबन दृढ़ थे यार, वो नहीं मान रहे, और यहां हो रहा हैवी। गिव मी अ लॉजिक, आपको लगता है कि वो जो लड़का है वो मेरा दोस्त बन सकता है कभी? क्या लग रहा है, क्राइम पेट्रोल प्यार पे बन रहा है? वो बनता है जेलेसी के ऊपर, प्योर जेलेसी के ऊपर। तो इस लड़के का नाम था लोकेश। नेक्स्ट दिन से हमने इसकी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया।
तो नेक्स्ट दिन हम खेल रहे ऊंच नीच का पापड़ा। खेला है? जिनको नहीं पता, आइस वाटर, नदी पहाड़, ऊंच नीच का पापड़ा, सारे एक ही गेम होते हैं। तो हम खेल रहे ऊंच नीच का पापड़ा, मेरी डैन, मैंने बोला ऊंच मांगी नीच, तो कहता नीच, मैं कहा तू है ही नीच। देखो वजह यह भी थी लड़ने की उससे, क्योंकि कमाल की बात देखो कि उन्होंने बनाया था हमें अपना बच्चा, हमें वो लड़का मुझे कहता अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मैंने कहा घुसंट खाना है पापा, फालतू की बात नहीं है। तो हमारा बनता है। तो नेक्स्ट दिन हम खेल रहे डॉक्टर डॉक्टर, खेला तो मैं बन गया डॉक्टर, वो लड़का बन गया पेशेंट। मैं उसके पास आया, मैंने उसकी नर्व्स देखी, मैं कहा He is no more. ये मर चुका है, वो उठ के दिखा रहा है मैं घुसंड खाना है। वो लड़की भागती हुई कहती रजत, पर मैं तो इनको टाइम से ले आई थी। मैंने कहा आपने लाने में काफी देरी कर दी, मेरे लिए परसों ही मर चुका था। और फिर मैंने चद्दर उसके मुंह पर उड़ाई। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कह रही हाँ बोलो। मैं कहा ये रहा इसका डेथ सर्टिफिकेट, रीजन ऑफ डेथ हैवी हैवी। और जाते जाते उसके ऊपर से मैं उसको टाप भी गया। मैंने कहा तेरी हाइट भी बढ़ने नहीं देनी, नहीं देनी भाई। कौन कहता है बचपन शरीफ होते, कोई शरीफ नहीं होता जिंदगी में, थोड़े से कनिंग रहते हैं। जैसे मुझे याद है अपनी जिंदगी में, मुझे सेकंड क्रश अपनी सोसाइटी में हुआ था। दूसरा आप ये मानो, अभी तक याद है मैंने पहली मुलाकात हुई थी कि उस लड़की से, कि वो लड़की चला रही थी हमारे सोसाइटी में लेडी बर्ड साइकिल। याद है आपको लेडी बर्ड साइकिल? पिंक कलर, पर्पल, बास्केट। देखो ये फर्क है तुम में और गुड़गांव के ऑडियंस। मैंने कल शो किया, मैंने बोला लेडी बर्ड साइकिल पता है? तो कहता हाँ, जिसमें डंडा नहीं होता। उन्हें बास्केट से पिंक कलर कोई लेना देना नहीं है, वहां जिसमें डंडा नहीं होता। वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे हो जिंदगी में, समझ गया। तो वो चला रही थी लेडी बर्ड साइकिल और हम चला रहे थे यहां से एटलस गोल्ड। पता आपको एटलस गोल्ड? जिसमें डंडा होता है और वो भी कैंची। जिनको कैंची नहीं पता लड़कियों, बता देता हूं आपको, एक साइकिल में ट्रायंगल होता है ऐसा, उसमें टांग घुसा के ऐसे बैठ के ऐसे चलती है साइकिल। उसके मेरी साइकिल की टक्कर हुई, मैं नीचे गिरा, कहती सॉरी, मुझे लगा साइकिल पे कोई था ही नहीं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं उसके नीचे काम कर रहा था, नीचे। कह पर नहीं यार, आपके चोट लगी, थोड़ी खरोंची आई है, उसने साफ ऑफ करी। मैंने कहा यार कितनी प्यारी लड़की, देखो देखो। मेरे मन में सिर्फ एक ही आवाज निकली, मैंने कहा बीवी बीवी। मैम आपका नाम क्या? मैम आपका? प्रज्ञा। प्रज्ञा, इस कहानी के आप सूत्रधार रहोगे, मैं किसी भी कहानी में कहीं भटके जाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कहाँ थे हम, ठीक है? प्रज्ञा अटेंटिव रहना है, वेरी अटेंटिव, जैसे आप अपने लड़के ढूंढने के लिए कर रहे हो ना अटेंटिव हो। एक क्वालिटी जो आपको लड़के में चाहिए बस ये बताइए, बस पर्सनैलिटी। एक पे रुको, अभी एकदम से आप रट के आए हो पूरा पूरा पर्सनैलिटी दैट ले। नहीं रुक जाओ, पर्सनैलिटी पे जाते हैं पहले। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज 19-20 का नहीं, 100 में से 20 का ही रहेगा बस। आगे बताओ, उसके अलावा बुलेट रखता हो? बुलेट वाला हो? मेरे पास पप्पू मैकेनिक है, उसके पास 9 बुलेटें हैं। है कोई बुलेट वाला? मैं बुलेट वाली कहानी पे आऊंगा अभी। बुलेट, ये बुलेट आपके पास है? पर्सनैलिटी कहां से लाओगे? देखना नहीं तुम्हें उसको, वो पेट खींच के बैठा, जैसे तुमने बात करी पेट खींच लिया उसने अंदर, खींच के बैठा हुआ आदमी पेट अंदर, सामने बैठा हुआ अच्छा खींच गया। ओ भगवान से डरो यार, भगवान से डरो यार। 10th क्लास आपकी जिंदगी का बहुत अलग फेस होता है, डू यू एग्री? ऐसा आपको लगता है कि आप बड़े हो गए बट होते नहीं हो। तो हमारी ट्यूशन लगी थी मैथ्स की 10th के अंदर,
ट्यूशन में होता ना MWF, ऐसा होता है ट्यूशन लगी थी, हाँ वो मैथ्स होता है, ट्यूशन लगी थी, बड़ी प्यारी सी हमारी, उसमें हमें लड़की पसंद आई पहले दिन देखते ही, पहली लड़की प्रज्ञा पसंद आई थी पूड़ी के लिए, दूसरी पसंद आई केयरिंग थी, ये लड़की मुझे पसंद आई थी, कुछ लड़कियां जो थोड़ी मैथ्स में कमजोर होती हैं, कुछ लड़के थोड़ी सी मैथ्स में कमजोर, थोड़ी सी जिनको लगता है कि मैथ्स कैलकुलेशन से नहीं गट फीलिंग से चलता है, जिनसे पूछो कि 10% ऑफ 100 कितना होता है, लाइक 25, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा ही खराब है, मैंने हाथों पे कैलकुलेशन शुरू करा, 25 तो बन सकता है शायद क्या, पर गौर करने के बाद देखो दोस्त वो कम से कम वो कैलकुलेटिव नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारी ट्यूशन लगी MWF, मंडे वेनेसडे फ्राइडे कहते हो उसको, मेरा था माय वाइफ फॉरएवर, ये बेस्ट है। क्या आप लड़कियों को लगता है कि लड़कों को लड़कियों को इंप्रेस करना आता है? No. मान गया मान गया, भरे मत बैठे रहो, मैं मान गया आपको, ये पिचिंग सेंटर नहीं है, शुरू ही कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, मैं मान गया हम लड़कों को बिल्कुल इंप्रेस करना नहीं था, ये बात मुझे पता है। अब उस लड़की को करना था मुझे इंप्रेस, और ये बात का मुझे आइडिया था कि हम तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैंने हायर किया अपना एक दोस्त, मैं कहा तुमने नहीं दोस्त, तुम बताओ इसे कैसे करना है इंप्रेस। अब क्योंकि वो मेरा ही दोस्त था, मेरी तरह ही था, तो भाई ने बोला एक काम कर, इस लड़की के सामने तेज साइकिल चला, तेज साइकिल, क्योंकि देखिए हमारी अपब्रिंगिंग स्कूप ऊप के आर्टिकल पढ़ के नहीं हुई है, हमारी अपब्रिंगिंग टिपिकल एक मैगजीन जो हर घर में आती है वो है ग्रह शोभा। जिनको ग्रह शोभा के बारे में नहीं पता, मैं बता सकता हूं कि अगर वीड के बाद किसी चीज में नशा है तो वो है ग्रह शोभा। भाई उसके फ्रंट पेज पे टाइटल इतने लुक्रेटिव लिखे होते हैं कि अगर आपका आई कॉन्टैक्ट उसके फ्रंट पेज से हो गया तो वो आप मैगजीन खरीद के ही मानते हो। 6-7 महीने पहले मैं एक बस स्टैंड पे खड़ा था और ग्रह शोभा वहां पे चिमटी से चिपकी हुई थी, मेरा आई कॉन्टैक्ट हो गया, मेरी जेब से 50 रुपए आ आ करके निकल गए। पता उस मैगजीन के फ्रंट पेज क्या लिखा था? फ्रंट पेज लिखा था 7 बातें जो पति से ना कहें। मैंने कहा कल के दिन मैं भी पति बनूंगा, और जब मेरी भी बोलेगी रजत ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, मैं कहा मुझे तो पता है, काम आएगी ना मेरी जिंदगी बातें। तो अब इंप्रेस क्या ही करते हैं, वैसे बता दूं आपको कि जिंदगी में ट्यूशन का टाइम मस्त होता है। कभी गौर करना अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, अगर वो अभी तक ट्यूशन जा रहा है पजामे में, तो समझ लो कि इसका सिर्फ पढ़ाई में दिल लगा हुआ है। और अगर वो जीन्स के कह रहा है मम्मा मैं कैसा लग रहा हूं, तो आप समझ लो कि अब उसका दिल लग चुका है, और दिल लगने के बाद डीओ तो अपने आप लगता है। तो हमारी पर्सनैलिटी पर हो रही है, पर हम उस लड़की से बात नहीं कर, आप अपने क्रश से कभी बात कर भी नहीं पाओगे, होता है कई बार। और याद रखना कि अगर आपको जिंदगी में अपना क्रश लंबा चलाना है तो उससे बात ना ही करो। आप कह रहे हो क्यों? कभी करना क्रश मुंह खोलते लगता है कि ये नहीं, ये तो नहीं चाहिए मुझे, चाहे उसके पास बुलटी हो। तो फिर क्या हुआ, मंडे को ऐसे मैंने वो सामने सर थी मंजिल से तेज साइकिल, वो भी हाथ छोड़ के, क्योंकि अपना भी तो इनपुट ऐड करना है ना, वरना दोस्त कहेगा भाई हमने हमारे स्किल से पटा ली तूने। तो हमने चलाई साइकिल हाथ छोड़ के, और 10th क्लास में हम लड़के इतने पतले होते हैं कि हमारे रिब्स में दिखता है एडिडास। साइकिल चल रही है, किस्मत की बात है कि आगे पड़ा था एक पत्थर, उसके आगे फ्रेश गोप, जो मैं टपक खाकर गोबर में स्लाइड हुआ। उतने मम्मी आ गई, अहे उल्टी चप्पल किसने रख दी? आपने गोबर की महानता देखी है, महानता ऑफ गोबर, कि आपने जिंदगी में मूनवॉक करना करो, जैसे ही गोबर में पैर गया गोबर आपसे मूनवॉक करवा लेता है। उस लड़की से क्या ही बोलती, 6 महीने लग गया भाई, 6 महीने के बाद पहली बार मैंने करेज करके उसको बोला हाय, वो भी बर्थडे पार्टी में, वो भी उसके बॉयफ्रेंड की। उसके बॉयफ्रेंड ने जो रेड वेलवेट केक काटा था ना, वो केक नहीं था, वो था हैवी हैवी। उस चक्कर में मेरा 10th का मैथ इंप्रूव हो गया, एंड आई स्कोर्ड, मतलब मैथ वाज द ओनली सब्जेक्ट इन विच आई स्कोर्ड 96%।
उसके बॉयफ्रेंड के 94 और उस लड़की की कंपार्टमेंट। मैंने कहा और करो इलू इलू, तुम लोगों का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। और हम आए 11th क्लास में, 11th क्लास जितनी भी लड़कियां बैठी, क्या आपको लगता है कि आप 11th क्लास में अलग दिखना इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी शुरू हो जाते हो? यस, मैं वैसे कोई कवि नहीं हूं बट आई कैन डिस्क्राइब योर ब्यूटी कि आप लड़कियां रंग से रंगोली बन जाते हो वर्सेस हम जिनके फटरे होते हैं गले। भाई बहुत हलेगा बहुत, आप लड़कियां सुंदरता की दहलीज पे देवा करे भागे जा रही हो या भाई बॉल बढ़ गई बैठी नहीं आ रही है, एयर पॉल्यूशन हम। आप बता रहा हूं आपके कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ कोई? मैम एक बार आप अपने पति की फोटो देखो 10th क्लास की, आप देखते क्या दोगे, ये मेरे बच्चे का बाप कभी नहीं बनेगा। भद्दे गंदे बच्चे, स्प्राउट जैसी मुछें आ रही है, कोई हिसाब किताब नहीं हमारा, मतलब इसीलिए CBSE देता 10th तक करेक्ट सर्टिफिकेट। कह रहा है इसके बाद फटा पास है, भाई किसी का भी दिमाग फाड़ सकता है आदमी। ऐसे होते हैं 11th क्लास में। तो 11th क्लास की बात है, एक दिन हम स्कूल के वाटर कूलर, याद है आपको स्कूल का वाटर कूलर? ये वो जगह होती है जहां पर आप पानी पीने जाते, आप डिस्कस करने जाते हो कि कौन सा कांड क्या करना है। तो हम वाटर कूलर में पानी पी रहे थे, सामने से एक लड़की कैंडी खाती आई और हमें हो गया कैंडी क्रश। तो चार हमारे पीछे दोस्त खड़े थे, वहां से आवाज आई भाभी। तो मैंने कंफर्म की किसकी? तो कहते हम में से किसी की भी। कितनों को लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट जितना होता नहीं है उससे ज्यादा करवाया जाता है? यस yes. करवाते हैं आपके ये घटिया दोस्त। ये वो दोस्त हैं कि बर्थडे तुम्हारे क्रश का है, विश वो हमें कर रहे हैं और हम थैंक यू बोल भी रहे हैं। वो कह रहे हैं वेयर इज द पार्टी, हम पार्टी भी थ्रो कर रहे हैं। हमने कहा ये बेस्ट है जिंदगी में यार। तो अब हमारा गैंग का नाम, हम हमारा गैंग का नाम था शक्तिमान। शक्तिमान हमारे गैंग का नाम इसलिए था क्योंकि हम पांच दोस्त थे, हर की हरकतें अलग अलग थी। मेरा पहला दोस्त था नितिन, ही इज द लेजिएस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन ऑन अर्थ टिल डेट। इसको स्कूल में बोलो कि भाई मेरी पानी की बॉटल भर के ले आ, तो इसका रिएक्शन होता था अच्छा। मैं कहा पानी? कह रहा भटूरे खाएगा। मैंने कहा हाँ। कह रहा मुंह पानी आया? एंजॉय, और जितना पीना पीता रही हो। मेरा दूसरा दोस्त था, मुझे बताते हुए अभी भी हंसी आती है, उसने 12th के बाद मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा बट वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाया। पूछो क्यों? फूफा जी रुक जाओ यार, किससे आए हो आप ये बताओ पहले आप? हस्बैंड वाइफ? मैम क्या मजबूरी है आपकी? कैसे कहाँ मिले थे आप दोनों? मिले कहाँ थे आप दोनों? जीवन साथी में मतलब मिले, ठीक है। हाँ, आपने प्रोफाइल देखा, उन्होंने प्रोफाइल देखा आपका, आपने इनिशिएट? माय इन-लॉज कॉल्ड अस फॉर द मीटिंग। अच्छा, उन्होंने आपको बुलाया कि हमारा बेटा ऐसा ऐसा है, पसंद कर लिया है। अच्छा, आपको पसंद, उन्होंने फोन करके बोला कि हमने आपको पसंद कर लिया? हाँ जी। तो आपने कहा फिर कि ठीक है हम लोग आते हैं मिलते हैं। अच्छा, फिर लड़के तो आपने देखा नहीं था? आपने शादी फेसबुक पे देखा होगा, स्टॉक किया होगा पूरा इन्होंने आपने, वो पता हर कोई करता है। हाँ बताओ, पुरानी फोटोज धोखा हुआ आपके साथ? यार मैं समझ पा रहा हूँ, आगे बढ़िए आगे। हाँ हाँ बताइए। यस हाँ हाँ फिर हाँ फिर इनके सीधे घर ही पहुँच गया आप? आपके पेरेंट्स बिल्कुल निकालना चाहते थे क्या आपको? ओके घर ले गए। आपने फिर बोला होगा कि इनको बोला था कि आपने बेटे को बुला दो? अच्छा खासा शो वहां जा रहा था, फिर बीच में रोक के पूछा इन्होंने, प्रज्ञा याद रखना। चलो आ गया, फिर ये आए तो सच में आपके आंख में आंसू आए उस टाइम? मैम बता रही है, रुक जाओ। आपने आंसू जाते हैं, आ रहा हूँ, रुक जाओ। आपको पता है मैम जब आप खुश होते हैं तो आपका पहला आंसू रेड आंख से निकलता है,
साइकोलॉजिकल फैक्टर नेट पे अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर हो, काचा बादाम दुनिया में अलावा और भी चेहरे हैं, तेरी स्किप टू द गुड पार्ट, बहुत सारी चीजें दुनिया में चल रही हैं। आप जब खुश होते हैं तो आपका पहला आंसू राइट आंख से निकलता है, जब आप दुखी होते हैं तो पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकलता है। काफी सिंगल लोग जो बैठे हैं आपको समझ नहीं आए, मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को ताकि आपको भी क्लैरिटी आए कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत दिनों बाद देखो तो राइट आंख से, उसको किसी और के साथ देखो तो लेफ्ट आंख से, और ये देखते हो तुम्हारी बीवी पीछे से देख ले। आई बिलीव इंडिया में सबसे अच्छी ब्रांडिंग अगर दुनिया में किसी ब्रांड ने करी तो उसका नाम है फर्स्ट क्राई। हैव यू हर्ड दिस ब्रांड कॉल्ड फर्स्ट क्राई? बच्चों के कपड़े आते हैं, यार क्या प्यारा इमोशनली कनेक्टेड नाम रखा है पेरेंट्स के साथ, फर्स्ट क्राई। जैसी माँ बाप पहली बार कपड़ा हाथ में लेते हैं और फिर देखते हैं उसका रेड टैग, फिर जो उनके आंसू निकले, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्राई। पति पत्नी को देखे कह रहा है ये वापस हो सकता है बच्चा, Amazon, OLX, Paytm कहीं भी भेज दो। या मैम प्लीज हाँ बता रहे आपको, हाँ प्लीज। घर गए वो तो हो गया था, अब बार बार घर की जा रहे हो उनके। फिर आपको ये दिखे, आपने फिर आपने सच फिर पहली फीलिंग क्या थी आपके लिए? वेरी फ्रेंडली, ऐसा हाथ मारो की बात कर रहा था। क्या चाहते हो आप? बुलेट, ये था तुम्हारा मैच। पर्सनैलिटी भाई साहब दूर से देखो एक बार आप, ऋतिक है ये, पास से नहीं सर, कोई बात नहीं मार्केट में। ओ छह उंगलियां लो, छह उंगलियां और क्या चाहिए, कहां मिलेगा एक्स्ट्रा चीज। प्रतीक इस चीज को देखिए इंप्रेस हुई, इसका एक उपयोग बताइए आप, नेगेटिव सेंस में। तुम इतने बेकार आदमी हो ना, तुम इतने बेकार आदमी हो, अच्छा खासा वाश हो जा रहा था एकदम, तीन दिन पे आ गया आप, पर क्या कहाँ पे तुम दानी में फटाफट मेडिकल, हाँ तो उसे मेडिकल एग्जाम दिया तो ना वो एंट्रेंस एग्जाम दे ही नहीं पाया, एंट्रेंस एग्जाम दे नहीं पाया था वो। पूछो क्यों? क्योंकि ना वो एंट्रेंस एग्जाम में ना एक कॉलम होता है सेक्स, उसने वहां भरा था फीमेल, क्योंकि उसको लगा था कि उसकी प्रेफरेंस पूछ रहे हैं। उसको लगा जब मेडिकल क्लियर होगा तो उससे पूछेंगे भाई साहब किसके साथ नो शर्माएंगे आप, तो ऐसा। मेरा एक तीसरा दोस्त था, शायद आपका भी होगा, कुछ दोस्त होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ऐसा उनको लगता है। जैसे मेरा दोस्त था, उसको टीचर ने पूछा बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट NIGHT एंड KNIGHT, कह रहा मैम सिंपल, नाइट का मतलब रात एंड KNET का मतलब काली रात। एंड मैम बोला बेटा तुम्हारा फ्यूचर भी KNET वाला ही है। ये मेरा वो दोस्त है जिसने ट्वेल्थ के बाद पंजाबी वगैरह रहता था, तो उसने ट्वेल्थ के बाद कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया गारमेंट्स का। आज 15-16 साल के साथ अच्छा खासा बिजनेस, इतना मतलब फ्लरिश हो चुका है, बहुत बढ़िया, पर इंग्लिश उसकी ट्वेल्थ वाली है। आप मानोगे नहीं, चार दिन पहले फोन आया था, कहता रजत भाई कैसा है, क्या बढ़िया, कह रहा तेरे मतलब के कपड़े मंगवाए, अब हमें सुनना है किस तरह के। मैंने किस तरह के, कह रहा मंडे टू थर्सडे पहनता है तू फॉर्मल वेयर, मैं कहा हाँ, कह रहा और फ्राइडे को पहनता है ना तू कैजुअलिटी वेयर, हम सब फ्राइडे को कैजुअलिटी वेयर तो पहनते हैं, और कह रहा सबसे बड़ी बात बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्राइस है। मैंने कहा फिर मैं आता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने। ये मेरा दोस्त, ठीक। एक चौथा दोस्त था भाई, उसकी जिंदगी में कभी हाइट ही नहीं बढ़ी, वो हर फोटो में ऐसे खड़ा होता है ना, ऐसे खड़ा होता है। मैं आपको बता दूं, इसने शहर के अलावा दुनिया में सब कुछ खा रखा। 2017 सितंबर में इसने एक लास्ट दवाई खाई थी जो किसी बाबा ने दी थी कि खाओ कुछ तो बढ़ेगा, और बड़ा भी उसका एक हाथ।
ऐसे, मैं कहा शुक्र मना भरी जवानी में तेरे को पोलियो नहीं हुआ, एक टांग में भी होती चला जाता। तो ये हमारा गैंग थे पूरे 5 दोस्तों का, और हमारे ग्रुप ने डिस्कस किया कि रजत भाई आप लीड करो, हम बैकएंड में सपोर्ट करेंगे। आप देख रहे हो कितने प्यारे लोग हैं ये, प्यारे क्या पता, सोचो कि अगर मैं लीड कर रहा हूँ तो वो क्या थे, आप इस तरह भी सोच सकते हो इस बात को। तो हमने लीड करना शुरू किया। अब किस्मत ने या भगवान ने, क्योंकि बाकी तरह से तो इतनी ज़्यादा बात हो नहीं पाई जिंदगी में कभी, इस तरह से दिक्कत क्या हुई, दिक्कत कह लो फायदा कह लो, वो हुआ कि इसका और मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 11th क्लास का साथ में हो गया। करिए अपने टाइट्रेशन, रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस रेड, हमें नहीं पता, हम तो प्यार का लाल रंग बना रहे थे। एक दिन ट्राइट्रेशन करते करते बाय गॉड उसके मेरी फिंगर टच हो गई, कहती सॉरी। मैंने कहा पागल तू क्यों सॉरी बोल रही है। उस दिन मेरे लिए मेरी फिंगर टच सेरेमनी हो गई थी जी। अपने आप को मैंने इतना लक्की फील किया कि गूगल पे बटन है आई एम फीलिंग लक्की, मैंने दबाया, मैंने कहा डिजर्व करता हूँ 2 दिन के लिए बटन है। ये होती जिंदगी। अब उस लड़की से बात होनी शुरू हो गई, टाइट्रेशन में साथ में करते थे, प्रैक्टिकल फाइल एक्सचेंज हो रही है, रीडिंग एक्सचेंज हो रही है, दोस्ती अच्छी होने लगी। तो हमें किसी ने बताया, बताया क्या, ग्रह शोभा में लिखा हुआ था। मैं पढ़ता हूँ अभी भी, मैं आपको बता सकता हूँ ये बात। उसमें लिखा था कि लड़कियों को पसंद है कॉम्प्लीमेंट्स और लड़कों को देने, वेरी गुड। पर मैं बता दूं आपको इसका रीजन दूंगा मैं आज आपको कि हम लड़कों को कॉम्प्लीमेंट देने क्यों नहीं आते। इससे पहले मैं जान लूं कि आप लड़कियां यहाँ पे कितनी सताई हुई हैं, ठीक है, कि आपको कॉम्प्लीमेंट क्या क्या मिले हुए हैं, ठीक है। लेट मी चेक। या मैम पहले तो आप ही हो, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने? बस ये मत बोलना कि आप अच्छी लग रही हो, अच्छी तो मेट्रो भी है, वरना पास कर दो फटाफट प्लीज। ड्रेस अच्छी लग रही, आप नहीं लग रही अच्छी मतलब, या कोई मैरिड कपल मैम प्लीज, वो तो मेड ही बना लेगी, आप ही कोई खास तारीफ नहीं हुई। या मैम मैम हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं आप सर, या मैम प्लीज, ओके और कोई मैरिड कपल, गर्लफ्रेंड, अरे मैम बोल नहीं, आपको क्या कंगना लग रही हो, या कुछ बोला, सुनंदा शर्मा लगती हो, अच्छा वो पंजाबी सिंगर जो है, फाइन ओके और कोई, अरे अभी तो पहली डेट, कुछ आज तक कॉम्प्लीमेंट तो दिया होंगे ना आज तक, क्या बोला, आह हम इतना पर्सनल नहीं जा रहे आपके साथ, ऊपर ऊपर तक बता दो तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों गर्लफ्रेंड वाइफ बाई चांस नहीं, आप दोनों मैम हस्बैंड वाइफ लग रहे हो, हस्बैंड वाइफ, मैम ने मंगलसूत्र पहना हुआ था मैं समझ गया, यस मैम क्या कॉम्प्लीमेंट दिया सर ने आपको बता दीजिए प्लीज, कुछ नहीं कहा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हाय मैम मुझे लग रहा है आप दो अच्छे और मम्मी हैं आपके साथ, राइट मैम, बस ये बोला कि आपके हस्बैंड ने बोला कि बच्चे दे दिए ये कॉम्प्लीमेंट है, ये नहीं, विजय सवान की कॉम्प्लीमेंट दिया आपके हस्बैंड ने मैम कोई, बिल्कुल नहीं, आप तीनों पीछे, हस्बैंड वाइफ सर आप बता रहा हूँ जानते नहीं, अच्छा हस्बैंड वो है, ओके हो जाती है गलती यार आदमी से यार, माय मिस्टेक यार, सिंसियर अपॉलॉजी यार। मैम मैम क्या कॉम्प्लीमेंट दिया सर ने आपको, कुछ नहीं दिया, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आप काफी डिसअपॉइंटिंग लड़कियां, तो मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ, देखिए तो आपने अमेजोन पे रिटर्न नहीं किया पार्सल, कोई बात नहीं मैम दुखी हो आप भी, मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल आई विल टेल यू। देखिए गलतियों को हमारी भी नहीं है, देखो जब भगवान ने आप लड़कियों का निर्माण किया और आपको जो बबल रैप में नीचे वो जमीन पे डिस्पैच कर रहे थे, तो भगवान ने आपको एक ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी दी कि पढ़ते हो जाना बहन जमीन पे काम आएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपकी वोकैब बहुत बढ़िया हो गई है, वोकैब, जैसे मैं प्रज्ञा, आपका दिव्या, अनन्या, इनको मैं बोलूंगा ना डिस्क्राइब ब्यूटी, तो दे विल नॉट ओनली यूज ब्यूटीफुल वर्ड, दे विल यूज एन नंबर ऑफ वर्ड्स लाइक रैविशिंग, डैजलिंग, गॉर्जियस, मेस्मराइजिंग। पर जहां हम लड़कों की बारी आती है, हम लड़कों ने पूरे ब्रह्मांड का जिम्मा सिर्फ एक वर्ड को दिया जो कि है नाइस, शर्ट nice. दोस्त nice. इवन फेसबुक पे नाइस पिक डियर, हम ये रहते हैं ऐसे रहते हैं। तो मैं सुन की बात किया, मैंने कहा आप इस ड्रेस से बहुत ही नाइस लग रहे हो, कहती स्टुपिड ये स्कूल यूनिफॉर्म है। कभी कहते ना कि आपके मुंह से आपके झंड के वर्ड ऐसे निकलते जाते हैं, ऐसे निकलते हैं, और लगता है कि भगवान ये वर्ड प्लीज मेरे मुंह वापस दे दो, ये कभी नहीं आते, ये दूसरे के मुंह पे छप के रहते हैं, उस मुंह लड़की के मुंह पे छप के रहे, और हमने अपनी बेइज्जती करवा ली। पर हमने कहा भगवान क्या हमें दोबारा इशारा देगा, कभी मौका देगा इस लड़की से बात करके, एक बार हम झंड करा ली, पर भगवान ने इशारा किया, भगवान ने पूरा पिटारा दिया हमें इन द फॉर्म ऑफ स्लैम बुक।
स्लैम बुक पता है आपको क्या होता है? स्लैम बुक ना लड़का और लड़की की जिंदगी में अलग से जहर गोला है. एंड टुडे आई विल प्रूव यू गाइस, जितने भी लड़का लड़की बैठे बताता हूँ कि लड़कों की जिंदगी में कितना जहर गोला है. जितने भी लड़के हैं मुझे प्लीज आप अपना फेवरेट कलर बताइए. ब्लैक ब्लू. आदो की मौत है ब्लैक ब्लू में. मौत ब्लैक ब्लू. चलो आगे. येलो. आराम से मान गया. रेड. मेट्रो में काम करते, मेट्रो जाते हैं, रेड लाइन पसंद है आपको. चलो ठीक. पर्पल वेरी गुड. क्रेयॉन का 6 का पैकेट आता है. इसी में है हम. ब्लैक ब्लू. लड़कों को बताना मैम, लड़कियों को नहीं. आ रहा हूं मैं आपके पास. ग्रे 50. ओके. मैजेंटा. मेट्रो में ही आओ भाई. व्हाइट. आत्मा पसंद है आपको. गुड. चलिए अब स्टार्ट करते हैं लड़कियों से. लड़कियां शुरू करें. लड़कों सुनना. फर्स्ट कलर लेवेंडर. ये कल शो में एक लड़की ने बोला था लेवेंडर, तो साथ में बैठा था एक लफंडर. उसने जैसे सुना कह रही लेवेंडर, ये तो ओडिनल में आता है. ओडिनल में वेरी गुड सर. लेवेंडर. आगे बढ़ते हैं मैम. लाइलाई पीच. अब एक ही बताना है आपको, सबको एक एक बताना है, ऐसा नहीं कि सब बदला. हाँ प्लीज. आइस ब्लू. वेरी गुड. सी ग्रीन. ओके. टर्कोइश. वाओ टर्कोइश. क्या फुशिया गाले तू. फुशिया रख खानदान. फुशिया. फुशिया. फुशिया कहीं की गाली लगती है ऐसे सुनने में. हाँ या प्लीज. वाइन. मैम आप क्लास अलग ही क्लास है आपकी, तो वाइन वाइन. या ऑलिव ग्रीन. मैम कितना कलर है आपके पास. खत्म नहीं हो रहे. ब्लैक. ओह इट्स ओके. पीछे वाले बता सकते हैं. अचार. सॉरी पेस्टल. अरे लगी जा रहे हो आपका टाइम. ठीक. अब मेरे लड़कों से फटाफट सवाल है एक बार कि मुझे बताइए कि आपके जीवन में ऐसा पावन पर्व कब आया था जब आप घर में ये सोच रहे थे कि मेरा फेवरेट कलर क्या हो सकता है. कि समाज में अगर किसी ने ये बात मुझसे पूछी तो मैं क्या जवाब दूंगा. तो इसका आंसर है अच्छा टपा टप्पा. वो तो स्लैम बुक में एक पेज पीछे किसी ने लिखा था ब्लैक ब्लू रेड और हमने कॉपी करके लिख दिया और तब से माने बैठे. उस लड़की ने दो चीज लिखी थी. पहला उससे बड़े होकर बना था एयर होस्टेस. हमने रट लिया क्योंकि सीबीएसई के बच्चे हैं. दूसरा उसको मैजिक देखना बहुत पसंद था, हमने वो भी रट लिया, सीबीएसई के बच्चे हैं. बात वहां खटकी जहां पे था कि उसका फेवरेट हीरो चंद्रचूड़ सिंह है. आप कह रहे हो ये कौन बता दूं कि कभी वो खुद का भी फेवरेट नहीं था. एक बार को तो मुझको लगा इज शी राइट फॉर मी. पर दोस्तों प्यार में कॉम्प्रोमाइज तो मैं तो देख ही पा रहा हूं. तेज बताया मैं. अब उससे दोस्ती स्टार्ट होने लगी तो एक दोस्त को पकड़ा मैंने. कहा भाई बाकी सब संभाल लेंगे बट ये मैजिक मुझे नहीं आता. कह रहा भाई तू बिल्कुल सही बंदे पे आया है. मैं सिखाऊंगा. मैं अपने घर की किटी पार्टी में और रौनक लगाता हूं. रौनक. मैंने 11 रुपए दिए, पैर छू लिए उसके. मैंने गुरु जी शुरू करो आप. कह रहा भाई डन. मैं उसके घर 16 सोमवार विदाउट द नागा उसके घर मैजिक सीखने गया हूँ. और मेरा मैजिक का कोर्स चल रहा. तो एक दिन लड़की क्लास में आई और टाइटेशन करते करते बोलती अच्छा तुम्हें बड़े होके क्या बनना है. उसको बनना था एयर होस्टेस. तो हमें क्या बनना चाहिए? पायलट. अब कभी आप गौर करना कि हमारी इंडियन सोसाइटी में हमारे रिलेटिव या नेबर में कोई भैया या दीदी होते हैं जिनको हम अपने करियर के लिए एडमायर करते हैं. यस. अच्छा मुझे नहीं पता आप गाय को देख के करते हो एडमायर. डिपेंड. तो मेरे एरिया में भैया थे, वो पेशे से पायलट थे और उनका नाम था गप्पी भैया. गप्पी भैया इसलिए था क्योंकि उन्होंने प्लेन से सदा बातें उड़ाई हुई थी. जैसे मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा भैया जब आप प्लेन उड़ाते हो तो कॉकपिट बंद क्यों कर लेते हो, कोई बुरा सवाल तो नहीं है. तो कहते रजत ताकि कोई एयर होस्टेस चलाना ना सीख जाए.
तो मैंने कहा भैया जब भी प्लेन उड़ाऊंगा कॉकपिट बंद कर लूंगा। फिर एक और कहा भैया जब आप प्लेन उड़ाते हो तो दो ड्राइवर क्यों चाहिए प्लेन में, क्या काम है कोपायलट का? कह रहा कभी कभार रजत प्लेन को लेफ्ट या राइट करना होता तो बाहर हाथ देना होता है। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूंगा कभी जिंदगी में, ये तो रिस्की बिजनेस है। बट द फनीएस्ट एंड द ट्रिकेस्ट सवाल जो मेरी जिंदगी में मुझे आज भी अच्छी तरह याद है और वो मुझे हमेशा मतलब सुन के मजा आता है, बताते मजा आता है। तो मैंने कहा भैया कभी ऐसा हुआ कि आप प्लेन उड़ा रहे और हो गया सबका हैप्पी बर्थडे, सब गए हो गया क्रैश, हो सकता है कोई बड़ा सवाल नहीं है? कहते रजत एक बार हुआ था कि मैं प्लेन उड़ा रहा था, सबको प्लेन दिख रहा है क्योंकि अभी ये उड़ रहा है। मैंने कहा फिर? कहते पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने कहा फिर? कह रहा फिर मैंने थोड़ी देर टेढ़ा किया। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ये जोक समझ नहीं आया, तो मैं बता दूं कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड गरीबी। जिन लोगों ने चेतक एयरलाइंस, बजाज एयरलाइंस, वेस्पा एयरलाइंस में ट्रैवल किया है वो जानते हैं क्या चीज होती है। तो उसने बोला क्या बनना है? मैंने कहा बोला पायलट। करी वेरी गुड। तब तक मेरा 16 सोमवार का कोर्स पूरा हो चुका था। और एक दिन मेरा दोस्त मेरी क्लास में आया और चिल्ला के बोला रजत डू यू नो मैजिक, चिल्ला दिया। अब यहां पर जितने भी मैं बताता हूं आपको, जैसे मैम आपका नाम क्या था? मैम पूर्णिमा। ओके ऋतिक आपको भी देखना, पूर्णिमा से आप लड़ाई होती है कभी तो ना, अभी गौर कीजिए जितने भी यहाँ पे कपल बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं, ओयो पार्टनर्स बैठे हैं, क्या हुआ तुम लोग ना जोक नहीं समझ रहे? फिर से बता रहा हूँ, गौर करना जितने भी यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी ओयो पार्टनर्स बैठे हैं, अगर तो रुक जाओ यार तुम। कभी गौर करना कि भगवान ने लड़कियों को शक्ति दी है, दिव्य शक्ति, कि इनको वही बात सुननी है जो इनको सुननी है। जियो भाई भी आपने सुना है? कभी जीत पाए मैम से लड़ाई में आप? आई विल टेल यू द रीजन टुडे। आज जैसे मीनाक्षी के पास कहते हैं देखो आप मीनाक्षी से 15 पेज की बहस करो पीटीओ लिख के, तो मीनाक्षी जी के पास एक दिव्य शक्ति है कि वो उसमें से वही पैराग्राफ निकालेगी जो उनके मतलब का होगा और उस पर लिखेंगी टू बी कंटिन्यूड और इस पर रख देंगी फ्रिज में, कभी और देखेंगे इसको। आप जीत पाए लड़ाई में, बताता हूँ क्यों जीत पाते हैं। होता क्या है कि जब लड़का लड़की लड़ाई करते हैं ना, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बॉय पार्टनर लड़ाई करते हैं, तो होता क्या है कि लड़कियां बोलती हैं फुल सेंटेंसेस, हम लड़के उस टाइप एक वर्ड कह रहा हूं सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते, हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं सिर्फ वॉवल्स, ए आई ओ यू। सिक्स लाइन डाउन, आपने अंदर एक लाइन बनाई है हम लड़कों ने कि अब मैं बोलूंगा मीनाक्षी को और मीनाक्षी को चारों खाने चित कर दूंगा, पर मीनाक्षी हमसे काफी आगे है। मीनाक्षी यूज करती है तरंगों का, अब हम ठहरे बेचारे मासूम से इंजीनियर, हम बोलते हैं हमने C++ जावा ऊर्जा काले कामा, ये सब लैंग्वेज पढ़ी हुई है, ये कौन सी लैंग्वेज बोली है इस वक्त ने यार, तो हम हार जाते हैं। तो लड़की मेरे पास आई कहती रजत डू यू नो मैजिक, लड़कियां ऐसे बात नहीं करती, लड़कियां हमेशा ऐसे बात करती है रजत डू यू नो मैजिक, मजा आ रहा है मैं दोबारा करता हूं। रजत डू यू नो मैजिक, मेरा आप लड़कियों से सवाल है ये कि आप ये एक दिन में एक एक लाख बार करते हो, इतनी दिक्कत हो तो यहीं से कटवा दो ना, पूरे दिन बफरिंग चलती रहती है आपकी। वो लड़की मेरे पास आई कहती रजत डू यू नो मैजिक, मैं कहा यस, करी शो मी, मैं कहा आर यू एक्साइटेड, करी यस, आर यू गाइस एक्साइटेड टू सी द मैजिक। मेरा दोस्त जिसने मैजिक सिखाया था चलाया था क्लास के अंदर, मैं उसके पैर छुए, कह रहे विजय भव और अब 16 सोमवार के कोर्स के बाद आज वो दिन था कि मैं अपने क्रश को जीत जाऊंगा।
मैंने कहा बताओ इसमें से बड़ी उंगली कौन सी है? कहती ये वाली। मैं कहा ये देखो मैजिक। आपको नहीं समझ में आया ना, मैं बता रहा हूँ। हाथ तो तब हो गए जब वो चिल्ला के बोली ये मुझे सिखा दोगे? तब मुझे लगा इज शी राइट फॉर मी, पर प्यार में कॉम्प्रोमाइज तो मैम करना ही पड़ता है। पर उस टाइम तक ये लग गया था कि इस लड़की के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ है, और ये लड़की के पास पोटेंशियल है कि ये हमारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। एक मन में होता ना, आपके मन में होता है पोटेंशियल, भाई सीधी सी बात लगता है हमारे मन में ऐसा। तो वी डिसाइडेड, इन लड़कों ने डिसाइड किया कि हम लड़की को मारेंगे ऑफर। एक तो सबसे अच्छी बात है ना कि जब तुम्हें प्यार होता ना तो तुमसे पहले तुम्हारे दोस्तों को पता लग जाता है ये बात। ये कमीने सूंघ लेते, कहते प्यार है, है भाई मैं बता रहा हूं, है। हम वो लोग होते हैं बेचारे। तो हमने कहा हम मारेंगे ऑफर मंडे को, क्योंकि हमें पता था ऑफर लास्ट सिक्स लॉक लिमिटेड, हम प्रपोज करने लड़के नहीं है। तो संडे को मेरे दोस्त का फोन आया, रात में कह रहे भाई नींद नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों? कह रहा कल भाभी हाँ तो कह देगी। मेरा दूसरा दोस्त, उसने फास्ट रखा, कह रहा कल भाभी के हाथ से पानी पीऊंगा। मेरा तीसरा दोस्त, उसकी आईलैश यहां गिरी, कह रहा भाभी है दोस्ती गहरी, ये होती है दोस्ती जिंदगी में। चौथा दोस्त सुबह सुबह मंदिरों के गया, प्रसाद लेके आया, टीका ले रहा था, टीका प्रसाद लेके आया मेरे लिए कि लगाएगा, इसके बाद बोलियो ऑफर। हम सुबह सुबह मंडे को स्कूल पहुंचे, हम सब लोग बिल्कुल तैयार हो गए थे। तैयार समझते हैं, स्कूल में ना एक यूनिफॉर्म होती है जो आपकी बाकी यूनिफॉर्म से बेटर होती है, एक यूनिफॉर्म जिसको आप पसंद करते हो पसंदीदा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिटिंग साइज, जो भी हो सकता है कलर, कुछ भी कोई भी हो सकता है। मैम हम सब लोग वही पहन के आए, और एक दोस्त ग्रूमिंग किट के नाम पे लाया माउथ फ्रेशनर, जो हम लोगों ने अपनी बॉडियों पे छिड़क लिया। हमने कहा खुशबू कहीं से भी आनी चाहिए, डेस्टिनेशन मैटर नहीं करती। और हमने मारा और फटाफट टीका लगाया, प्रसाद खाया, और मैं उसके आगे मैंने कहा आपसे बात करनी है। कहती पर्सनल है? मैंने कहा हाँ। कह रही स्कूल की बात करें? मैंने कहा हाँ। बोल नहीं पाया, मैं निकल गया। कह रही स्कूल के बाद कॉरिडोर में मिल जाना मैं, या आप मिल जाना, मैं मिल जाऊंगा कहीं पर भी मिल लेंगे। मैं ठीक है। वो आठ पीरियड मैंने उस दिन कैसे निकाले मुझे पता है, और जैसे ही वो आठ पीरियड खत्म होते हैं मैं कॉरिडोर भागता हुआ पहुंचा, और मैं उसका वेट कर रहा हूं। कभी आपने गौर किया कि जब आप किसी का वेट करते हो तो आप कंपास बन जाते हो, आप पैरों से सर्कल बनाते हो ऐसे? तो मैं यहां सर्कल बना रहा हूं, चार पीछे बना रहे हैं। तो एक बंदा छत से निकलता हुआ कहता लगता है ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी यहीं से होगी। और वो लड़की एकदम से आई, कहती बोलो मेरी जिंदगी का पहला ऑफर। मैंने एक लंबी सांस ली, खड़ा हुआ, मैं कहा आई थिंक आई लाइक यू। कहती कीप थिंकिंग देन। मैंने कहा वैसा वाला नहीं, आई लव यू रसना टाइप। करी मैं वैसे लड़की बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मैं भी वैसा लड़का नहीं हूं, मैं बहुत सीरियस हूं, मैंने अपने बच्चों तक के नाम सोच लिए हैं। आपका नाम है यामिनी, मेरा नाम है रजत, तीन अल्फाबेट आपके तीन मेरे, बच्चे का नाम बनेगा यमराज। दुनिया दीवानी हो जाएगी। करी मैं नहीं हो रही। उतने में उसके पापा लेने आए, पापा की गाड़ी बैठी और वो चली गई। गिव मी अलाउड, जितनी मेरी लड़कियां बैठी हैं, आपके स्कूल के बाहर एक लड़कों का गैंग होता है जो आपको आंखों से स्कूल छोड़ के आता है और आंखों से स्कूल लेके आता है। मैं इससे बेकार चीज को इससे ब्यूटीफुली डिफाइन नहीं कर सकता। जो आपके रिक्शा वाले आपको रोज घर छोड़ते हैं वो भी जानते हैं, दीदी छेड़ने नहीं आया लगता है वो आपको आज। तो एक गैंग था जो उस लड़की के पीछे पड़ा था, और मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। तो क्या हुआ कि हम स्कूल से निकले, हम 100-150 मीटर आगे ही बढ़े थे, सामने हमारे रुकती है एक बुलेट। बुलेट उस पर एक बंदा बैठा है जिसकी हाइट है करीबन 6 फुट 1 या 2 इंच, उसकी बॉडी है, उसके डोले लश्कारे मार रहे थे, लश्कारे वर्सेस मी 5 फुट 7 इंच, रंग साफ, शरीर दरमियाना और गले पे तिल। लग रहा है मिसिंग की रिपोर्ट, क्योंकि उस आदमी का मैं कभी भी मिस हो सकता हूं। तो बुलेट पे बैठे बैठे उस बंदे ने आवाज दी, तुम में से रजत कौन है? आप देख रहे हो कमाल की बात कि मुझे 16 साल तक अपना नाम याद था। मैं ऑन द स्पॉट भूल गया। मैं दोस्त से पूछ रहा हूं हमारी क्लास में कोई रजत है क्या, हमारे स्कूल में कोई रजत है क्या भाई? करा तू ही है। मैं कहा मैं चिंटू नहीं हूं। करा तू ही आ गया। और उसकी आवाज करा चक्कर चल रहा था उससे,
आपको पता सामने वाली पार्टी हैवी है, पंगे नहीं। तो मैं पीछे हुआ, मैंने कहा नहीं, शी इज लाइक माय सिस्टर। और सिस्टर बोलती है बचपन का रूल था एक, अगर आपको याद हो तो। जिनको इसका मतलब नहीं समझ में आया, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इसका मतलब नेट पे सर्च मत करना। इस जोक पे हंस रहे हो आप हैं? तो कहता मेरी जगह प्रपोज कर दे, ऑफर मार दे, सीधा बोलते थे ऑफर मार दे, प्रपोज मार दे, बोल दे भाई भाटी भाई बहुत प्यार करते हैं। मैं कहा जीजू मैं कल ही बोल दूंगा। मैं उस लड़की के पास गया नेक्स्ट दिन, मैंने कहा लड़का के पीछे बड़ा कह रही, लड़कियों की जिंदगी में कोई ना कोई लड़का ऐसे होता है जो पीछा करता रहता है, आप इग्नोर करो मैं भी इग्नोर करती हूँ। मैं कहा ठीक है। हमने एक हफ्ता स्कूल में बड़े आराम से निकाला, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अचानक क्या हुआ कि एक दिन उसके पापा लेने में लेट हो गए, उसको आने में, तो स्कूल के बाहर ही खड़ी थी कि पापा आए हैं, वो चली जाएगी घर। इन कटसी में उसके साथ खड़ा हो गया, कोई गलत चीज़ तो नहीं है स्कूल के गेट पर खड़ा होना किसी लड़की के साथ कि भाई उसके पापा नहीं आए। तो वो भी धक्का दे रही कि चाहो तो जाओ, तुम्हारे दोस्त खड़े, तुम्हें तो पैदल जाना, जाओ 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 मेरे पापा आ जाएंगे। दूर से भाटी भाई ने देख लिया, कहते प्यार है। तो उस दिन फिर हम अपने घर के लिए निकले, तो मुझे हल्का हल्का याद है, हल्का हल्का, कि मैं बुल्ट के शौकर बैठा हुआ था। मैं कह रहा हूं उसके शौकर काफी अच्छे हैं, मजा आएगा जिंदगी में, शायद बुल्ट ही लेनी पड़े। उस बंदे ने ऐसा मुक्का मारा, मेरे मुंह पे घुसंड मारा ऐसे भाटी भाई ने, और ऐसे उतर गया बाइक से। इन माय डिफेंस मैंने अपनी लात ऊपर करी तो उसने मेरी लात ही पकड़ ली, क्योंकि उसकी और मेरी हाइट में फर्क था सी लेवल का। अब वो ऐसे लात पकड़ के मुझे घुमा रहा है। मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा भैया आप मार रहे हो या कंपास से सर्कल बना रहे हो? उसको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। सामने एक थी नाली, उसने पूरी मेरी लेग को स्ट्रेच किया है और इस 18 इंच के डोले से पूरा दे के मारा मुझे नाली में। उतने मम्मी आ गई, अह उल्टी चप्पल किसने रख दी? पर मैं डरा नहीं, क्योंकि अभी मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे। मैं जैसे ही इधर मुड़ा, नितिन जो मेरी क्लास में सबसे लेजी बच्चा था, ये बंदा पार्क की 6 फीट की ग्रिल टप्पा मार के फाक गया। ये इतनी तेज भागा कि यू कैन नॉट सी विद नेकेड आइज। मेरा दूसरा दोस्त एक बस जाती वैष्णो देवी, उस गेट में कहता जयकारा श्री माता बोल साचे दरबार की, और दूर से फेंका उसने संतरा, कह रहा छिलका मार दियो उसकी आंख पे। आप देख रहे हो कि उसने मुझे पूरा संतरा दिया है, पहले अंगूठा मार के मैं छीलू खोलू खाऊ बीज को पुक करू और फिर मारू, इतना टाइम देंगे मुझे भाटी भाई? पर मैं अभी भी डरा है, क्योंकि मेरे साथ अभी मेरे दो दोस्त थे। जैसे इधर मुड़ा, मेरा एक दोस्त केले की रेडी पे कह रहा है केले ले लो, केले ले लो। ये मेरे पीछे स्ट्रीट प्ले कर रहा है, स्ट्रीट प्ले। उतरे बैठा कह रहा भाई साहब मेरी तो कोई गलती थी नहीं, ये बंदा खड़े खड़े पोलियो कैच कर गया। अमिताभ बच्चन 2 बूंद पिला के मर गया, कह रहा भैया केले कैसे दिए भैया आपने? ये दोनों मेरे पीछे स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं ए नंबर के लिए ए। उतने में लड़की भागती है, क्योंकि उसके पापा लेने आए थे, तो वो खड़ी हो गई आगे और ऐसे खड़ी हो गई आगे ऐसे। पहली लड़की पर गया पूरी केयरिंग, कैलकुलेटिंग, चौथी है प्रोटेक्टिव। हम पीछे हुए, हमने कहा बीवी। वो उससे भैंस करिए हाउ डेयर यू। अब वही समझ रही मैं क्या करूं, तो मैं पीछे छुप गया ऐसे। मैंने कहा यू कंटिन्यू। अब भैंस करे जाए। फिर मैं समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैंने फिर संतरा खाना शुरू कर दिया। फिर संतरा खत्म हो गया, मैंने कहा भैया केले कैसे दिए? ठीक ठीक लगा लो भैया, ठीक ठीक लगा लो।
दो दर्जन ले लेंगे दो। आप भी देखो इस प्यार की लड़ाई में ना भाई साहब, ये देखो उसके और मेरी आत्मा मेरी इमेजिनेशन निकल चुकी है और हम यहाँ डांस कर रहे हैं दबी दबी सांसों से। प्रज्ञा हमारा यमराज भी डांस कर रहा है क्योंकि प्यार की खूबसूरती आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो यार। उस लड़की ने लड़ाई रिजॉल्व कराई, कह रही तुम इसको नहीं हाथ लगाओगे, और मुझे कहती तुम इसको हाथ लगाओगे। मैंने कहा मैं तो लगा भी नहीं रहा था, मैं तो हैंड्स अप इन दी एयर करके पिट रहा था। उसने लड़ाई रिजॉल्व कराई, हम सब अपने घर गए और अब हमें यह बात समझ में आ गई थी कि इस लड़की के मन में हमारे लिए प्यार है। ये तो समझ में सबको आ रहा है, आपके जैसे नहीं समझ में आया अभी तक। उसका आ गया था तो हमने कहा मंडे हो जाएंगे, अपने मंडे हो जाएंगे स्कूल, उससे बात करेंगे और फाइनली सब कुछ रिश्ता सेट। पर हम जाएंगे ऐसे खाली आती क्योंकि उसने बचाया था, तो हम जाएंगे एक आर्चीज का मतलब गिफ्ट लेकर। गए यहाँ पे सब लोग आर्चीज। डोंट यू थिंक आर्चीज सेलिंग क्यूटनेस एट अ वेरी प्रीमियम प्राइस? यार वो टेडी बेयर बेच रहे भाई, टेडी बेयर 6-7 हजार रुपए के, जिनके दिल यहाँ लगे हुए हैं। मैंने बंदी को बोला भाई दिल किसका है, कह रहे बंदा आया था उसको टेडी बेयर का रेट बताया, उसका मुंह में आ गया दिल। तो मैं वहां से लेकर आया सिर्फ एक छोटा सा फोटो फ्रेम। सबसे बड़ा जुगाड़ फोटो फ्रेम होता है। मंडे को मैं स्कूल पहुंचा बिल्कुल एक्साइटेड, फिर वापस तैयार होकर अपनी यूनिफॉर्म में माउथ फैशन लगा के सब कुछ रेडी। मंडे को लड़की स्कूल नहीं आई, ट्यूसडे को लड़की स्कूल नहीं आई, वेनेसडे को लड़की स्कूल नहीं आई, अब टेंशन हो रही माउथ फैशन खत्म हो रहा था। हफ्ता निकल गया लड़की स्कूल नहीं आई, मंडे को डिसाइड करा कि अब हमारे से नहीं रुका जाएगा, हम मंडे को घर पहुंच जाएंगे भाई कुछ भी जाए स्कूल के बाद। दोस्त ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। मंडे को हम पहुंचे, वो लड़की मंडे को भी स्कूल नहीं आई। नेक्स्ट वीक में भैया ने आया, रंजना आई नहीं। यहाँ पे दिमाग खराब, हमने उसका नंबर निकाला। मैं घर पहुंचा 1:30 बजे, 1:31 से मैंने उसे कॉल किया। मैंने हेलो हेलो हेलो, यामिनी ने फोन उठाया भी। मैंने यामिनी फिर हाँ बोलो, मैंने कहा रजत बोल रहा, रजत फिर हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा हमें गोत्र मिलाने हैं, मैं तो शादी के लिए रेडी था। करी वेट वेट, मैंने कहा कहाँ थे आप, ऐसे क्या होगा? मैं रुक ही नहीं रहा, मैंने बोला जो भी था ना, अरे आप क्या आवाज़ बचाया आप, थैंक यू वेट रजत वेट 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 रुको। मैं कहा हाँ बोलो। करी रजत मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया और हम 2 दिन में यहाँ से जा रहे हैं। फिर मैं बोला हमारे प्यार का क्या होगा? तो कहती मिलना होगा तो मिलेगा। आप देख लो लड़कियों की हरकत, पकड़ भी नहीं रही छोड़ भी नहीं रही। ये बेकार बेकार था ना, एकदम बोलते कि नहीं खत्म इतने बात, हम यहाँ राजना बन जाए। और उसने फोन रख दिया। आप देख रहे हो मेरा ऑन द स्पॉट ब्रेकअप हुआ है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है भाई वो सब तो ठीक है, बट ये गिफ्ट का क्या करना है? तो मैंने वो फोटो फ्रेम खोला और अपने घर में लगा लिया, क्योंकि उसमें एक ऑलरेडी फैमिली की फोटो थी जो आपकी फैमिली से काफी सुंदर काफी स्माइलिंग फेस का ना। पर ये चैन मेरे दोस्त को नहीं आया। एक दिन मेरा दोस्त घर पे आया और फोटो को देख के कहता रजत तेरे माँ बाप अंग्रेज है क्या? मैंने कहा हाँ, इनका नाम है क्लॉडिया चौहान। कोई दिक्कत? कितनों का ब्रेकअप हुआ यहाँ पे? किसी का ब्रेकअप हुआ कभी? ओके जब ब्रेकअप हुआ था तो कौन सा हिंदी का गाना सुनते थे आप? डीनो जेम्स रो रहा हूं मैं और वो खुश हो रही है। वेरी गुड, रो रहा हूं मैं। अच्छा बोला अरिजीत वाला, ठीक है। और तड़प तड़प सर, ये 98 का है क्या प्यार आपका? इतना पुराना पुराना प्यार है काफी, क्योंकि देखिए जो भी बता रहे हो जैसे आपका 2-3 साल पुराना। आपका कौन सा था? बोर्ड के एग्जाम थे। वेरी गुड। देखो पता क्या है प्यार, आपने जोक तो बहुत अच्छा खराब किया मेरा। कि प्यार कितना ही पुराना हो, ब्रेकअप सॉन्ग हमेशा लेटेस्ट लगता है उस टाइम का, और फिर आप उसको बुन लेते हो आसपास के गानों से। समझो मैम जैसे पूछ लेते हैं आपने खराब तो किया, पर वैसे पूछ लेता हूँ। यू राइट समटाइम्स ऑल योर मैसेजेस ऑफ आई कैन सेंस कि आप लिखते हो मोस्ट ऑफ आई कैन सेंस दैट, ठीक है। जस्ट टेल मी द नंबर ऑफ डब्ल्यूज। ओ की स्पेलिंग क्या होती है मुझे बताइए आप, कितने डब्ल्यू? इट डिपेंड्स अपॉन दी क्यूटनेस। लेट्स फिक्स इट, लेट्स फिक्स इट। एक छोटा सा रूम है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या लिखते हो आप? इट्स ओ हाँ मैं डब्ल्यूज। आप बस रैंडम बताओ, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा आपका। 7 चार लड़कियां कुछ हेल्प करो, इनपुट पहली पहली बार इनपुट दो। इट्स ओ कंजूस, कोई बात नहीं दो, ठीक है। इट्स ओ 10, इट्स ओ। मुझे बस आप लड़कियों से जानना है कि आपकी ऐसी कौन सी ग्रह शोभा आ रही है, वो भी ओ एडिशन।
जिसमें इन डब्ल्यू के बारे में लिखा, क्योंकि हम लड़कों को इस ओ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड ने भेजा ए डब्ल्यू। कह रहा भाई देख, बंदी ने अपनी ईसीजी की रिपोर्ट भेज दी। सो आई हैव डिसाइडेड आफ्टर 4 W शक्ति कपूर का आऊ हमारे लिए जिंदगी में है। एंड यू नो व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट ब्रेकअप, ऐसा नहीं कि उसकी याद आती है, द वर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू क्रिएट न्यू पासवर्ड्स एंड आई एम वेरी बैड विथ पासवर्ड मोस्ट ऑफ टाइम इट्स वीक वीक वीक। तो मैंने लगाया लड़कियों ने दिमाग और लिखा कुचिकू कुचिकू, वो भी के कैपिटल। तो वहां से गूगल रिस्पॉन्स आया ऑडियंस यार। एंड बिफोर वी जस्ट एंड, जस्ट गिव मी 30 मोर सेकंड टू फिनिश द स्टोरी, कि आपने जो लव स्टोरी सुनी मेरी जिंदगी के बारे में, एक हिस्सा है मेरी जिंदगी का। इस स्टोरी को पूरा करने में मुझे लगा ऑलमोस्ट 2 साल, और इसकी एंडिंग मिली मुझे 13 जनवरी 2020, जो दिल्ली में हम लोहड़ी मनाते हैं, कैसा होता है ये 13 जनवरी। हुआ क्या, इस दिन पे मुझे याम ने इतने सालों के बाद मेरे फेसबुक पे मैसेज किया हाय। बनता है, बनता है। फिर मैंने थोड़ी देर पहले उसका पूरा फेस टॉक किया, मैंने कहा ओए ये तो रंग से रंगोली बन गई ओए, और फिर मैंने भी लिखा हाय, और फिर हम थोड़ी देर नाचे, तो मैं फोन रख दो नीचे हाय, और फिर उसने लिखा याद हूं मैं तुझे, फिर मैंने लिखा याद उनको किया जाता है जिनको भूला जाता है। कहती ये है मेरी शादी का कार्ड, तुझे आना है। मैंने कार्ड खोला, कार्ड पे लिखा था यामिनी वेड्स लोकेश। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों का नाम होगा यमलोक। जैसी सब कुछ कहा ना, अंदर से हैवी हैवी शांति चाहिए थी मुझे। मैंने फोन को सोफे पर रखा और मैं थोड़ी देर जमीन पे बैठ गया शांति की तलाश में। उतने में मेरी मम्मी भागती हुई आई, चप्पल किसने रख दी।